Hey guys, hello everyone. Those who don't know me, I'm Anjali Daya and this is my channel Anjali's Cookhouse. So, केरला स्टोरी का सुना था क्या किसी ने? मैं आज वही देखने जा रही हूँ. अभी देखते हैं कि क्या होगा. और हर्षिता मेरे साथ नहीं जा रही है क्योंकि कल हर्षिता का एग्जाम है. तो मैं जा रही हूँ केरला स्टोरी मूवी देखने. और अब आप लोग भी देखो. और किस किस ने केरला स्टोरी मूवी देख ली है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है. एंड लेट्स सी हाउ द वीडियो एंड द मूवी विल बी. बट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी मैं बिल्कुल मूवी का कि अगर मुझे वो, वैसे मैंने बहुत मिक्स रिव्यूज देखे इंटरनेट पे उसके, बट मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ. तो लेट्स सी और चलो चलते हैं. और जाने से पहले एक चीज यार, प्लीज वीडियो को देखा करो पूरा स्किप किए बिना और ढेर सारे लाइक किया करो और अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करो सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड आई कैन पुट मोर एफर्ट्स टू ब्रिंग अ गुड कंटेंट फॉर यू ऑल. सो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड जल्दी से वो सब्सक्राइब वाला रेड वाला बटन दबा दो एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू गेट अपडेट व्हेनेवर आई पोस्ट अ वीडियो और एनीथिंग एल्स. सो प्लीज जल्दी से कर दो एंड लेट्स गो. अभी हम शायद मैं सिनोप्लेक्स जाऊंगी या फिर आईनॉक्स जाऊंगी, अब वो देखते कहाँ जाएंगे, बट चलो चलते हैं. मूवी देखने से पहले मुझे कुछ पीने का मन है तो मैं गन्ने का जूस पी रही हूँ. काफी अच्छा है. इतनी लंबी लाइन गाइस, ये पैसे बचे ये सिर्फ टिकट के बाद. नदी ईपी मूवी देखने आ गए. मैंने मूवी देखने आ चुकी हूँ मैं. गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली. सो मैं उठ चुकी हूँ अभी एंड अभी बजे है सुबह के 7 और बस मैंने मुंह वूह धोया है हल्का सा क्या बूद हो गया, ब्रश की है और बस मैं आके बैठ गई हूँ लोगों के सामने क्योंकि कल मैं केरला स्टोरी मूवी देख के आई थी एंड उसके बाद मेरा व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई. मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग वगैरह बनाऊंगी बट मैं नहीं बना पाई. वो हुआ ऐसा कि वो मूवी देखने के बाद ना एकदम से इतना डिस्टर्ब फील हुआ कि बाहर वाले ना इतना आवाज़ करते हैं कि वीडियो बनाने नहीं देते. बट ठीक है, लेट अस कंटिन्यू ऑन आर वीडियो. ठीक है, तो जो मूवी थी ना उसका ऐसा था कि ना वो मूवी एक बार अगर आप देखोगे ना, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल कि आप लोगों को देखनी चाहिए. जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी होती है ना वो उस मूवी में बताया गया है. और मैंने अभी देखा है कि अप्रॉक्स 100 करोड़ कर चुका है क्रॉस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, 100 करोड़ के पास पहुंच गया है एंड इट्स कमेंडेबल क्योंकि ये 25 करोड़ बजट फिल्म है एंड इसको इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है ऑडियंस की वजह से, तो इट्स वेरी गुड. और मूवी बहुत प्योर है, लिटरली बता रही हूँ. उसमें इन रियलिटी लोगों का दर्द बताया गया है कि इन एक्चुअली हुआ क्या है केरला की लड़कियों के साथ एंड हाउ एवरीथिंग हैपन्स, वो ट्रैप कैसे किया गया. आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि वो मूवी देखो. और मुझे मूवीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट ये एक ऐसी मूवी है जिससे इन रियलिटी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. तो ऑल दी गर्ल्स आउट देयर एंड ऑल्सो दी बॉयज़, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग ये मूवी ज़रूर जाके देखो
एंड थोड़े अबव 18 ही देखो तो ज्यादा है, बच्चों को मत दिखाना क्योंकि उनके माइंड पे गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि मैं हूँ 22 की हूँ मैं, और मुझे इतना इम्पैक्ट हुआ उस मूवी का, तो ऑब्वियस है बच्चों को तो वो गलत ही इम्पैक्ट दे देगा। तो थोड़ा आप समझो और देखो उस मूवी को, मैं हाईली रिकमेंडेड मूवी है मेरी तरफ से तो। एंड लेट्स सी अब मैं क्या करती हूँ दिन में, एंड दिस वॉज ऑल अबाउट माई मूवी रिव्यू, एंड लेट्स सी हाउ द डे विल बी गोन। अभी मैं बस फटाफट, हर्षिता पढ़ने बैठ चुकी है, कैसे पढ़ रही है दिखाऊंगी इसका पेपर आज बेचारी का, ठीक है इसका एग्जाम है, मस्त लेट के पढ़ रही है, आंखें खराब हो जाएगी तेरी ठीक है। तो इसने अभी रोटी बना चुकी है, मैं सब्जी बना रही हूँ, अब कुछ खा के मैं जाऊंगी फटाक से रेडी होके कॉलेज, ये पढ़ेगी फिर मैं कॉलेज से मेरा आने के बाद इसको ये जाती है, इसका शाम का शिफ्ट का एग्जाम। तो चलो चलते हैं। सब्जी तो मेरी बनी रखी हुई है कद्दू की, बट इसको मैं थोड़ा सा ठीक करूंगी क्योंकि मेरे से हो गई है गलती, और गलती ये हुई है कि मैंने कल पता क्या करा मैंने कल इसमें ना आमचूर की जगह ना चाट मसाला डाल दिया, और मतलब खट्टी मीठी बनाते हैं कद्दू की सब्जी उन्होंने, तो मैंने आमचूर की जगह इसमें चाट मसाला डाल दिया, और मैं कल सोच रही यार रात को कि यार इसमें अजीब सा टेस्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बट क्या आ रहा है। बट अब हर्षिता ने जब बोला ना तो मुझे याद आया, समझ आया कि हाँ इसमें आमचूर मतलब चाट मसाले का ही टेस्ट आ रहा है, तो मैं इसको भी ठीक करती हूँ ठीक है। इसमें मैंने थोड़ा सा चीनी डाल दिया, और एक चम्मच चीनी डाल दिया, और इसमें और थोड़ा आमचूर डाला है क्योंकि मैंने पिछली बार चाट मसाला डाल दिया था, तो अब इसमें मैंने आमचूर डाला है। आई होप अभी ये ठीक हो जाए, तो मुझे कद्दू कद्दू पसंद नहीं है बट क्योंकि बीमार इतनी ज़्यादा हो गई थी और डाइट ख़राब हो गई थी बहुत बाहर का खाने की वजह से, तो दुख हार के दिल पे पत्थर रख के अब रोटी सब्जी खानी ही पड़ती है। वैसे रोटी सब्जी खा सकती हूँ बट कद्दू लोग मुझे पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं बना लेती हूँ कि खा लेती हूँ भाई, खुद शरीर को कुछ तो मिलेगा।